What's up guys, I hope you are all absolutely good and fine. Welcome to my channel Only Cinematic, see something cinematic, see something new. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फिल्मोरा एक्स के जरिए कैसे आप इजीली एक पॉपुलर ट्रांजिशन इफेक्ट जो कि है डॉली जूम इफेक्ट और वर्टिगो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल अलाउड मोड कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैनक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली डॉली जूम इज एज यू मूविंग फॉरवर्ड विथ योर कैमरा व्हाइल जूमिंग आउट योर लेंसेस। ये डॉली जूम आपको खींचना चाहिए रिकॉर्डिंग करने का टाइम, पर हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप सॉफ्टवेयर में भी डॉली जूम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, वो भी फिल्मोरा एक्स के लिए। आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं कि मेरा यहाँ एक वीडियो है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन में है और ये वीडियो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पर हम डॉली जूम इफेक्ट या तो वर्टिगो इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्मोरा एक्स में एक न्यू फीचर्स दिया है, वो है की फ्रेम एनिमेशन, जो पिछले वर्सन में नहीं था। फिल्मोरा एक्स या तो 10 वर्सन में न्यू दिया हुआ है। अगर आप न्यू फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आई बटन में क्लिक कीजिए और फिल्मोरा एक्स के न्यू फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो में डबल क्लिक करता हूँ। वीडियो में डबल क्लिक करने के बाद आप देखिए एनिमेशन बोल के एक ऑप्शन आ गया। एनिमेशन में क्लिक करता हूँ, कस्टोमाइज में जाता हूँ। कस्टोमाइज में जाने के बाद आपको की फ्रेम सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में रखूँगा। स्टार्टिंग में रख के की फ्रेम ऐड करूंगा। देखिए यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो गया है। उसके बाद मैं स्केल को 100 है, बाय डिफॉल्ट मैं 200 करूंगा और इसको थोड़ा स्केल में पोजीशन एडजस्ट करूंगा। ये मेरे को सही लग रहा है। उसके बाद ये तो मेरा प्ले हेड है, आप देख रहे हैं, ये प्ले हेड को मैं वीडियो के लास्ट एंड तक ले जाऊंगा। ले जाने के बाद बाय डिफॉल्ट वीडियो जितना था वही कर दूंगा, मतलब स्केल को पहले जैसा यानी कि 100 और पोजीशन को 00 जैसा कि ओरिजिनल वीडियो में था। अब इसको आप प्ले कीजिए। देखिए दिस इज गोना क्रिएटिव अ डॉली जूम इफेक्ट इन दिस वीडियो। अगर आप सीक्वेंस को रेंडर करेंगे तो और भी ज़्यादा स्मूथली देख पाएंगे। मैं फिर से आपको चला के दिखा देता हूँ। दिस गोना क्रिएटिव द डॉली जूम इफेक्ट और वर्टिगो इफेक्ट इन योर वीडियो। आप कोई भी वीडियो में कर सकते हो। मैं और एक वीडियो डाल के आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा एक वीडियो है जिसमें जो हिल है वो हिल से पीछे आ रहा है, तो इसको मैं डॉली जूम इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो सिंपली वही करिए, वीडियो के शुरू में जाइए, स्टार्टिंग में वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक के बाद की फ्रेम ऐड कीजिए और उसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इधर मैं स्टार्टिंग में 100 ही रहने देता हूँ, पोजीशन सेम ही रहता हूँ। मैं एंड में जाके इसका पोजीशन और स्केल चेंज करता हूँ। मान लीजिए कि इधर मैं की फ्रेम ऐड किया, स्केल में 200 करता हूँ और पोजीशन को मैं चेंज करता हूँ। ये मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। अभी आप स्टॉप करके प्ले कीजिए। पहले मैं रेंडर कर लेता हूँ। रेंडर हो गया, अभी आप प्ले कीजिए। देखिए दिस गोना क्रिएट अ विजुअलाइज्ड डॉली जूम इफेक्ट। अलग तरीके से डॉली जूम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि वीडियो में एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है।
कोई भी किसी भी तरह के वीडियो में ये डॉली जूम इफेक्ट बाद में अपने फिल्मोरा एक्स के जरिए की फ्रेम एनिमेशन के जरिए डाल सकते हो। आपका ड्रोन शॉट हो या तो आपका स्टील शॉट हो या तो आपका कैमरा शॉट हो या तो रिकॉर्डिंग करना भूल गए हो तो आप बाद में भी डॉली जूम इफेक्ट डाल सकते हो। सो प्रीटी मच फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इफेक्ट लेके। आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपका अगर कुछ इफेक्ट है मन में जो फिल्मोरा में बना सकता है तो ज़रूर वो कमेंट में आप कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।